फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल लखराजू इंग्लिश अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं, हम लोग जो स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया है, यानी ऐसे बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में या बीते हुए एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, हम उसे दोबारा एज ए रिविजन नए नए तरीकों से पढ़ने का प्रयास किया है। यानी दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा जो सेशन है स्पेशली इंग्लिश सॉल्यूशन ओनली प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, तो इस तरह बहुत सारे टर्म्स उसमें जुड़ा हुआ है। हम बहुत सारे जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको शेयर किए हुए हैं। यानी आज हम प्रॉपर बात करेंगे ऐसे पांच महत्वपूर्ण सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द जो हमारे एग्जाम में यकीनन आए हुए हैं। अगर आप जाते हैं उसमें, आप फेस करते हो सिचुएशन को, तो आप यकीनन ये फील कीजिएगा कि बिल्कुल ये जो पांच आप वर्ड देख रहे हैं आज बोर्ड पे, ये आपके एग्जाम में और आपके प्रीवियस चैप्टर में बिल्कुल है। चलिए, अब हम समय को मद्देनजर रखते हुए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इसे किस तरह जो है हम अपने शब्दों में याद करें। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है जो है प्रेडिलेक्शन, जो कि कैटेगरी से दोस्तों मैं बता दूं नाउन है, और इसका मतलब ये होता है पसंद और झुकाव, यानी आपका पसंद। ठीक है दोस्तों, पसंद यानी कि झुकाव, ठीक है, आपकी क्या पसंद है। और इसका दोस्तों जो सिनोनिम्स होगा, साइनोन होगा सिनोनिम्स, हम इसको पढ़ेंगे प्रीफ्रेंस। ठीक है दोस्तों, यानी इसका जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा दोस्तों प्रीफ्रेंस। ठीक है, तो प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों पसंद, झुकाव, जिसका सिनोनिम्स होता है प्रीफ्रेंस, PREFERENCE, और ये कैटेगरी से नाउन होता है। सेकेंड जो वर्ड है डिवोट, DEVOUT, डिवोट, इसका मतलब होता है भक्ति यानी भक्तिमय। ये कैटेगरी से दोस्तों आपका ये हो जाता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है भक्ति। ठीक है दोस्तों, यानी भक्तिमय। और इसका साइनोनिम्स आप समझ सकते हैं, सिनोनिम्स समझ सकते हैं दोस्तों डेडिकेटेड। ठीक है दोस्तों, यानी आप पूरी तरह से किसी चीज में डेडिकेटेड हो, भक्तिमय हो, लीन हो, तो आप इस वर्ड्स को यानी डिवोट यानी कि डेडिकेटेड शब्द आप यूज कर सकते हैं। जो थर्ड वर्ड है दोस्तों हम चर्चा करेंगे एफिजी, जो कि कैटेगरी से नाउन होता है एफिजी, EFFIGY, एफिजी का मतलब होता है दोस्तों प्रतिमा यानी कि पुतला, इसका अर्थ होता है प्रतिमा यानी कि पुतला। और दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है डमी, DUMMY, डमी। दोस्तों आप जब ये वीडियो देखो ना, यकीनन आप कभी भी एग्जाम में बैठे होंगे, आप यकीनन मैं बताता हूं कि आप इस वर्ड्स को जरूर फेस किए होंगे। जो चौथा वर्ड है डिमिनिश, जो कैटेगरी से वर्ब है, इसका मतलब होता है कम होना, DIMINISH, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। और इसका जो सिनोनिम्स है दोस्तों मैं शेयर कर दूं आपसे, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, रिड्यूस माने कम होना। ठीक है दोस्तों, जिस तरह इसका हिंदी समान है उसी तरह अंग्रेजी में भी इसके अर्थ जो है समान होंगे। ठीक है, जो पांचवा वर्ड है उसको हम चर्चा कर दे आपसे, फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल का मतलब होता है अल्प, कमी, किफायती। ठीक है दोस्तों, अल्प, कमी, किफायती, यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इकोनॉमिकल का अर्थ भी सेम होता है, यानी कम। ये कैटेगरी से दोस्तों मैं शेयर कर दूं, ये एडजेक्टिव है, फ्रूगल का मतलब होता है कम, अल्प, किफायती, और इसको दोस्तों सिनोनिम्स में इकोनॉमिकल के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो ये रहा आज का पांच ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड्स जो आपके एग्जाम में बिल्कुल रिलेट रखते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इससे जैसे बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड किए हुए हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, आप वहां से जाइए और ऐसे बहुत सारे वर्ड सीखिए और एग्जाम में अपना बेहतर करिए। चलिए दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।